राजस्थान की राजधानी जयपुर में जब से श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जान ली गई है, तब से हंगामा मच रहा है। इससे केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। उनकी जान लेने वाले आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर इस मामले में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। इससे पता चला है कि सुखदेव सिंह की जान लेने की प्लानिंग 6 साल पहले ही हो गई थी, लेकिन मौका मिला 5 दिसंबर को और सुखदेव को उन्होंने गोली मार दी। इसकी वजह है गैंगस्टर आनंद पाल और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी। बताया जा रहा है कि आनंद पाल सिंह और लॉरेंस बिश्नोई के बीच दुश्मनी पहले से ही चलती थी और सुखदेव सिंह और आनंद पाल अच्छे दोस्त थे। इस बीच कई बार ऐसी घटनाएं हुई जिससे दुश्मनी और गहरी होती चली गई और उसके बाद 5 दिसंबर के दिन आखिरकार कातिलों को मौका मिला और उन्होंने सुखदेव सिंह को उन्हीं के घर में जाकर गोलियां मार दी। बता दें कि आनंद पाल राजपूत था और सुखदेव सिंह राजपूतों के नेता। 24 जून 2017 को जब पुलिस एनकाउंटर में आनंद पाल की जान गई तो सुखदेव उसकी लाश के साथ 15 दिन तक धरने पर बैठे रहे थे। तब यह मुद्दा मीडिया में खूब गरमाया था। आनंद पाल की मौत ने उस समय सुखदेव को राजस्थान के बाहर भी हाईलाइट कर दिया था। सुखदेव हमेशा आनंद पाल की वकालत किया करते थे, जबकि दूसरी तरफ आनंद पाल का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से 36 का आंकड़ा रहता था और यही वजह है इस वारदात की। इसके अलावा सुखदेव सिंह प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, उनके कई दुश्मन भी थे। उधर आनंद पाल की जान जाने के बाद राजू थेट नाम के गैंगस्टर के साथ भी सुखदेव की दोस्ती रही। इत्तेफाक से राजू थेट भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर था, इससे उनकी दुश्मनी और बढ़ गई। 3 दिसंबर 2022 को राजू थेट की भी उसके घर में गोली मारकर जान ले ली गई। तब भी गैंगस्टर रोहित गोदारा, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा है, उसने इसकी जिम्मेदारी ली। दरअसल रोहित को लगता था कि सुखदेव सिंह राजपूतों की मदद करता है जबकि जाट बिरादरी के साथ इंसाफ नहीं करता। बस फिर रोहित सुखदेव सिंह को मारने की प्लानिंग करने लगा, जरिया ढूंढने लगा, उस तक पहुंचने की तमाम कोशिश करने लगा और फिर उसे मिला नवीन, जो कि राजपूत था। नवीन जयपुर में एक कपड़ा व्यापारी था और सुखदेव को पहले से जानता था। इत्तेफाक से नवीन के रिश्तेदार की अगले महीने शादी है। रोहित को इस बारे में पता चल गया था। रोहित ये भी जानता था कि नवीन शादी का कार्ड देने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के घर जरूर जाएगा। बस यहीं से प्लानिंग और तेज हो गई और इसके लिए रोहित ने 2 शूटरों को तैयार किया जिनका ताल्लुक जयपुर से था, जिन्होंने पहले तो जाकर नवीन से दोस्ती बढ़ाई और उसे विश्वास में लिया और उसके बाद 5 दिसंबर के दिन जब शादी का कार्ड देने सुखदेव के घर गए तो उनकी कोई जांच नहीं हुई क्योंकि नवीन उन्हें पहले से जानते थे और बिना जांच के वो घर में दाखिल हो गए। फिर दोनों शूटर और नवीन और सुखदेव ने अंदर 10 मिनट बातें की और उसके बाद सुखदेव सिंह पर शूटरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। बताया गया कि इसमें नवीन की भी जान गई। बहरहाल अब देखना है कि आखिर इसमें और कौन कौन से राज उजागर होते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।